अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस हम डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद लॉरी ब्रॉन्स्टेड जो एसिड बेस का जो नज़रिया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को डिस्कस करते हैं कि एसिड की जो आयनाइजेशन होती है वो कैसे होती है, फिर हम आयनाइजेशन ऑफ बेस को हम देखेंगे, और लास्ट में हमने क्या देखना है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस का नज़रिया। तो चैप्टर जो है वो एक केमिकल इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट कर रखा है, चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जो है वो हमने देखना है। तो सबसे पहले आपको एसिड की जो इक्वेशन है वो आपको आनी चाहिए। तो इक्वेशन कैसे बनेगी कि यहाँ पर कोई भी एसिड होगा, लेट से एच ए कह देता हूँ। अब ए जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि वो एसिड होगा, और साथ में हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, वो एसिड होगा, या प्रोटॉन को जो डोनेट कर रहा है, ठीक है जी। तो साथ में हम वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर जो है वो रिएक्शन ऐसे होगा कि ये प्रोटॉन जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और यहाँ से जो है जब हाइड्रोजन निकल जाएगा या प्रोटॉन निकल जाएगा तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। तो वाटर ने क्या कर लिया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, हाइड्रोनियम आयन बना दिया है, और जो एसिड है उसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया है, ठीक है जी। ये अब एसिड के तौर पर काम कर रहा है और ये जो है बेस के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो Kc जो है वो इक्वल आएगा किस चीज के, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, तो हाइड्रोनियम आयन, और नीचे क्या आ जाएगा, ए नेगेटिव आयन, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास Ha और H2O, ले रहे जी। तो यहाँ पर होना क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम ऊपर लिख देते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम नीचे लिख देते हैं। ये हम काफ़ी अरसे से पढ़ते आ रहे हैं, ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है इसके अंदर हमने जो मेन पॉइंट है वो यही किया है कि जब भी केसी की वैल्यू लिखनी होती है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम ऊपर लिख देते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को नीचे रख देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने कहा है कि वाटर जो है हमने एक्सेस क्वांटिटी के अंदर यूज़ किया है, तो डेफिनेटली इसकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होगी। तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही तो हम इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो केसी जो है मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, वाटर की कंसंट्रेशन, और इक्वल आ जाएगा हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, और ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन, और ओवर आ जाएगा एच ए की कंसंट्रेशन। और जब के सी जो है वाटर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो के ए आ जाता है, ठीक है जी। किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, के ए, तो के ए जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा किस चीज़ के, ये जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है, साथ में ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ गई है, और नीचे क्या आ जाएगा, एच ए की कंसंट्रेशन जो है वो आ जाएगी, क्लियर है जी। तो ये हमने क्या निकाल लिया है, के ए यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जो है वो हमने निकाल लिया है और उसकी वैल्यू भी निकाल ली है। तो यहाँ पर अगर हम बताएं तो के ए जो है वो स्पेसिफाई करेगा कि जो एसिड है वो कितना आयोनाइज होगा, मतलब के ए डिसाइड करेगा कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कोई एसिड जो है वो कितना वीक हो सकता है, ठीक है जी। तो कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा वीक होगा, ये कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम। तो अगर हमारे पास 10^-3 जो है उससे जो वैल्यू है वो छोटी है, ठीक है जी, वैल्यू क्या है, छोटी है, मतलब 10^-3 है या उससे क्या है, कम है, तो फिर जो है वो एसिड क्या होगा, वीक एसिड होगा, ठीक है जी। कौन सा एसिड होगा, वीक एसिड। और अगर 1^-10^-3 जो है, अगर यहाँ तक के ए की वैल्यू है तो वो जो एसिड होगा वो क्या होगा, मॉडरेट होगा, ठीक है जी, क्या होगा, मॉडरेट होगा। और अगर 1 से जो है वो बड़ी है, ठीक है जी, 1 से बड़ी है तो फिर जो है वो एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं के ए की वैल्यू से कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। अब डेफिनेटली एसिड के स्ट्रॉन्ग होना या वीक होना वो किस चीज़ से डिसाइड करते हैं हम, उसकी आयनाइजेशन से, कि वो कितना आयन बना रहा है, और वो आयन किस से हम डिसाइड कर सकते हैं, आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट से, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, जो आयन्स बन रही हैं ऊपर, ठीक है जी, ऊपर वाली चीज़ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आयन बनेंगे और उतना ज़्यादा ही वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पर वीक एसिड जो है उसकी आयनाइजेशन कम है, के ए कम है, और मॉडरेट की दरमियान में है, और जो स्ट्रॉन्ग है उसकी क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है, ठीक है जी, 1 से ज्यादा होती है, क्लियर है। अब यहां पर जो है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हमने डिस्कस कर लिया, अब हम देख लेते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ठीक है जी। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट
ऑफ बेस। अब इसको हम देखते हैं कि इसकी हम आयनाइजेशन जो है वो कैसे मालूम कर सकते हैं। डेफिनेटली पहले एग्जांपल्स दे रखी है, लेकिन हम पहले जनरल रिएक्शन लिखेंगे और फिर उसकी मदद से जो है वो एग्जांपल हम लिख लेंगे, ठीक है जी। तो सिंपल अगर हम इसकी जनरल रिएक्शन लिखना चाहें तो सिंपल बेस होगा और वो क्या करेगा, वाटर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ये जो एसिड था इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया था वाटर को, अब ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। और जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, BH पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है जी, BH पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव बन जाएगा। और यहाँ पर इसकी अगर हम कैसे लिखेंगे तो प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे डेफिनेटली, तो BH पॉजिटिव और OH नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे ही है। मतलब प्रोडक्ट को ऊपर रख दिया है और अब रिएक्टेंट को हमने क्या रखना है, नीचे रखना है। तो नीचे क्या आ जाएगा, B और साथ में H2O जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है कि ये जो वाटर की कंसंट्रेशन है हमने एक्सेस क्वांटिटी के अंदर ले रखा है, यहाँ पर भी एक्सेस क्वांटिटी में था तो वो कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हम कांस्टेंट की तरफ ही ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसे बन जाएगी, तो हमारे पास Kc जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा वाटर की कंसंट्रेशन से, ठीक है जी, वाटर की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी वैसे का वैसे आ जाएगा, BH पॉजिटिव OH नेगेटिव और B, ठीक है जी। तो ऊपर क्या आ जाएगा, BH पॉजिटिव OH नेगेटिव और नीचे क्या आ जाएगा, B। तो ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, अब Kc जो है जब वाटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब ये बेस के लिए है तो ये आ जाएगा Kb और ये आ जाएगा BH पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव और नीचे आ जाएगा B। अब यहाँ पर जो है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस जो है उसकी हमने इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर ली है, क्लियर है जी। तो ये जो है हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस है और इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी बेस की जो आयनाइजेशन है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं या उसके स्ट्रॉन्ग या वीक होने का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। सेम टू सेम जैसे हमने इसके अंदर कहा था वैसे ही इसके अंदर भी कहना है कि अगर 10^-3 हुई तो वीक बेस होगा और अगर 1 से 10^-3 हुआ तो मॉडरेट होगा और अगर 1 से ज़्यादा हुआ के बी की वैल्यू तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है जी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, के ए और के बी की जो वैल्यूज़ है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन सी आ सकती है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे अमोनिया जो है वो क्या होता है, बेस के तौर पर काम करता है। अब बेस के तौर पर कैसे करता है कि जब वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना देते हैं, NH4 पॉजिटिव बना देते हैं और प्लस OH क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है जी। एक और जैसे CO3-2 है, ठीक है जी, कार्बोनेट आयन है, जब वाटर के साथ इसको रिएक्शन करते हैं तो ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके बाइकार्बोनेट बन जाता है, HCO3-1 और यहाँ पर जो है OH-1 जो है वो बच जाएगा। अब ये भी बेस के तौर पर काम कर रहा है और ये भी बेस के तौर पर काम कर रहा है, तो इसकी इन दोनों की इक्वेशन भी इस तरह बना सकते हैं हम, ठीक है जी। वाटर को कांस्टेंट रखे, वाटर को Kc के साथ मल्टीप्लाई करके Kb आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पीछे हमने जो टॉपिक पढ़ा था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड अब पढ़ रहे हैं और फिर आगे हमने अब ये क्या पढ़ा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो तीनों के अंदर कुछ खास हमने एक फर्क देखा है कि यहाँ पर Kc जो है तीनों के अंदर वाटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, Kc यहाँ पर भी वाटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एसिड में भी, और Kc जो है बेस के अंदर भी वाटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन जब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पड़ा था तो हमने यहाँ पर क्या किया था, Kw कहा था, ठीक है जी। जब एसिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या कहा है कि ये Ka के इक्वल है, ठीक है जी। और जब यहाँ पर देखते हैं बेस के अंदर तो ये किस चीज़ के इक्वल आ जाता है, Kc मल्टीप्लाई बाय वाटर की कंसंट्रेशन Kb के इक्वल आ जाती है। तो ये जो है अलग अलग क्यों आ रहा है, हालांकि Kc को हम वाटर के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमने देखना है कि नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है। नेचर ऑफ रिएक्शन से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो है वो Kw आएगा, कौन सा K आएगा और कौन सा Kb आएगा। तो अगर हमारे पास वाटर की आयनाइजेशन हो रही है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है जी, आयोनाइजेशन किस चीज की हो रही है, ऑफ वाटर। अगर वाटर की आयनाइजेशन हो रही है तो इसके लिए फिर क्या होगा, के डब्ल्यू होगा। और आयनाइजेशन ऑफ हमारे पास किस चीज की होगी, अब यहां पर ए है तो हमारे पास आयनाइजेशन ऑफ एसिड, तो आयनाइजेशन ऑफ एसिड हो रही है तो क्या आ जाएगा, के ए। और जब आयनाइजेशन ऑफ, अब यहां पर किस चीज की हो रही थी,
बेस की हो रही थी, तो बेस की आयनाइजेशन के लिए हम क्या कह देते हैं, ऑफ बेस जो है उसके लिए हम वैल्यू लिखेंगे के बी, ठीक है जी। तो के डब्ल्यू के ए के बी जो है वो ऐसे मालूम कर सकते हैं, और वो कैसे आया है कि के सी को हमने एच टू ओ मतलब वाटर के साथ ही मल्टीप्लाई करी है सब के अंदर, लेकिन यहाँ पर के डब्ल्यू आया, के ए आया और के बी, ये कैसे आया है, तो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कौन सा चल रहा है उसकी नेचर पर डिपेंड करके हमने क्या लिखना है, के डब्ल्यू के ए या के बी लिखना है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस का नजरिया, ठीक है जी। तो लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस जो है वो कैसे डिफाइन करना है और कैसे एक्सप्लेन करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है जी। तो लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट ये हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है वो हमने पहले पढ़ रखा है कि ऐसी स्पीशीज जो कि प्रोटॉन को डोनेट करती है उसे हम एसिड कहते हैं, और ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेफिनेटली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला बेस होगा, ठीक है जी। तो जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है उसे हम एसिड कहते हैं, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम बेस कहते हैं। तो पहले एसिड के लिहाज से इक्वेशन बनाते हैं और फिर हम बेस के लिहाज से इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है जी। तो पहले हम एसिड के लिहाज से बनाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच ए एसिड है, और ये जो है जब वाटर के साथ मिलेगा, ठीक है जी, तो ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन को इसको डोनेट कर देगा, ठीक है जी। और जब प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, एच थ्री ओ पॉजिटिव, और प्लस ये क्या बन जाएगा, ए नेगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ पर जब ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो ये एसिड के तौर पर काम कर रहा है, और ये जो है किस चीज़ के तौर पर काम कर रहा है, बेस के तौर पर। लेकिन अब यहाँ पर जो है एच थ्री ओ पॉजिटिव को अगर हम देखेंगे तो ये अब प्रोटॉन को दे सकता है, ये प्रोटॉन को मजीद एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अब ये प्रोटॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो अब ये क्या बन चुका है, बेस बन चुका है, सॉरी अब ये प्रोटॉन को दे रहा है तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। और ये जो है अब प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और जब एक्सेप्ट कर सकता है तो इसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर हम देखें तो इसके जो रिस्पेक्टिव मेंबर है, एच थ्री ओ पॉजिटिव कहां से बना है, एच टू ओ से, वो बेस के तौर पर काम कर रहा था, अब ये क्या बन चुका है, एसिड। तो इस एसिड को हम आम एसिड नहीं कहेंगे बल्कि क्या कह देंगे, कॉन्जुगेट एसिड कह देंगे, ठीक है जी। कौन सा होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा, ठीक है जी। और ये वाला जो बेस है अब ये किस चीज से बना था, एसिड से, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, कॉन्जुगेट बेस कह देते हैं, क्लियर हो जाएगी बात। तो अब इसकी हमने क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, अब यहां पर के सी जो है वो डेफिनेटली प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या है, एच थ्री ओ पॉजिटिव, और हमने पहले डिस्कस किया था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के अंदर कि एच थ्री ओ पॉजिटिव कुछ नहीं होता बल्कि क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन आयन ही होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन आयन। जैसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एच थ्री ओ पॉजिटिव क्या होता है, बेसिकली कि वाटर का मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है जी। अब यहाँ पर लॉन पेयर होते हैं दो, और ये प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन को क्या करता है, ये डोनेट करता है, और ये क्या बन जाता है, ओवरऑल इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये है एच थ्री ओ पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन और कुछ नहीं, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, और साथ में क्या है, एच पॉजिटिव आयन जो है वो जुड़ा हुआ है, तो सीधा हम इसको एच पॉजिटिव आयन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्यादा कंसर्न है आयनिक कंसंट्रेशन से। तो आयनिक कंसंट्रेशन इसकी या सिंपल हाइड्रोजन आयन की या प्रोटॉन की क्या होगी, एक जैसी ही होगी, ठीक है जी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को ही पुट कर देते हैं, एच पॉजिटिव आयन और ए नेगेटिव आयन आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, एच ए की कंसंट्रेशन, और साथ में क्या आ जाएगा, वाटर की कंसंट्रेशन। अब हमने कहा था कि वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, तो अगर कांस्टेंट है तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे, ठीक है जी। तो अब यहां पर जो है इक्वेशन कैसे बन जाएगी, कि ये जो है वाटर इस तरफ आ जाएगा, तो के सी मल्टीप्लाई बाय वाटर की कंसंट्रेशन, और ये आ जाएगा हमारे पास, अब ऊपर क्या है, हाइड्रोजन आयन और ए नेगेटिव, एच पॉजिटिव ए नेगेटिव, और नीचे है हमारे पास क्या चीज, एच ए और एच टू ओ, एच ए और एच टू ओ जो है वो इधर चला जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, के ए के इक्वल, क्योंकि एसिड की आयनाइजेशन पढ़ रहे हैं, हमने कहा था जब एसिड की आयनाइजेशन होती है तो के सी मल्टीप्लाई बाय वाटर जो है वो के ए के इक्वल आ जाता है, तो यहां पर जो है के ए जो है वो इक्वल आ जाएगा एच पॉजिटिव ए नेगेटिव, और नीचे जो है वो क्या आ जाएगा, एच ए की कंसंट्रेशन, एच ए की कंसंट्रेशन।
अब दूसरा हम बेस के लिहाज से बना लेते हैं, ये तो हमने एसिड के लिहाज से बना लिया, अब एक इक्वेशन हम बेस के लिहाज से भी बना लेते हैं। तो बेस के लिए हम यही बेस उठा लेते हैं ए नेगेटिव, ठीक है जी, और इसको वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये एच ए बन जाएगा और साथ में ओ एच नेगेटिव जो है ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये जो है किस चीज़ के तौर पर काम कर रहा है, बेस के तौर पर, और ये जो है अब किस चीज़ के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रोटॉन को इसको दे रहा है, ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो एसिड के तौर पर, और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस के तौर पर, और यहाँ पर ये क्या बनेगा, अब ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन चुका है और ये कॉन्जुगेट बेस बन चुका है, ठीक है जी। तो वो लिखना है चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो मर्जी आपकी। अब यहाँ पर जो है सीधा हम के बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले के सी की वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं और फिर वहाँ से हम मालूम करेंगे। तो के सी की वैल्यू क्या आएगी कि ऊपर हमने क्या रखना है, एच ए और ओ एच नेगेटिव आइन रखते हैं, और नीचे जो है वो हम क्या रख देते हैं, नीचे हम अपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रखनी है ए नेगेटिव और एच टू ओ, ठीक है जी, और के सी मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, वाटर की कंसंट्रेशन, और ये इक्वल आ जाएगा एच ए ओ एच नेगेटिव, और नीचे क्या आ जाएगा ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ चुकी है। अब यहां पर हमने करना क्या है बेसिकली कि वाटर की कंसंट्रेशन जब के सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब ये बेस के लिए हम सारी इक्वेशन कर रहे हैं, और जब बेस की आयनाइजेशन होती है तो के सी मल्टीप्लाई बाय वाटर की कंसंट्रेशन किस चीज के इक्वल आ जाती है, के बी के। तो यहां पर जो है के बी जो है वो इक्वल आ जाएगा एच ए, ठीक है जी, ओ एच नेगेटिव आइन, और नीचे क्या आ जाएगा ए नेगेटिव आइन आ जाएगा। अब यहां पर हम करते क्या है, के ए और के बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी, तो के ए मल्टीप्लाई बाय के बी, ठीक है जी, तो दोनों साइड से हमने क्या करनी है, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो राइट हैंड साइड में पहले क्या है, एच ए और एच ए नेगेटिव और एच ए, ठीक है जी, तो एच पॉजिटिव ए नेगेटिव और नीचे क्या है एच ए है, ठीक है जी। और अगर हम इसकी देखेंगे, मतलब ये जो बेस है के बी के लिहाज से, तो क्या है ऊपर क्या है एच ए ओ एच नेगेटिव, एच ए ओ एच नेगेटिव, और नीचे क्या है ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन है, ठीक है जी। अब ये जो ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव के साथ कैंसिल हो सकता है, ऐसी है ए नेगेटिव जो है वो क्या होगा, ए नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा, और एच ए जो है वो क्या होगा, एच ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी बचना क्या है ये हम देख लेते हैं, तो के ए मल्टीप्लाई बाय के बी जो है वो इक्वल आया है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन के, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन के। और ये हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के अंदर देखा था कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन किस चीज़ के इक्वल होती है, के डब्ल्यू के, ठीक है जी, किस चीज़ के इक्वल होती है, के डब्ल्यू के। तो के ए मल्टीप्लाई बाय के बी किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, के डब्ल्यू के आ जाएगा। अब हमने कहा था कि के ए के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 1 × 10⁻¹⁴ अब 1 × 10⁻¹⁴ जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसको हम ऐसे कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस लॉग लेना पड़ेगा। तो माइनस लॉग जो है वो सभी चीज़ों का ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे कि देखें, ये जो एसिड इस्तेमाल किए हैं ये वीक एसिड और वीक बेस है, ठीक है जी, तो वीक एसिड लॉरिब्रोंसिड एसिड और बेस जो है वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। जो जनरल एसिड होते हैं ना, आर्हेनियस वाले, जो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहे हैं या हाइड्रोक्सल आयन डोनेट कर रहे हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो वीक एसिड होते हैं। तो डेफिनेटली ये वीक एसिड की वजह से के ए और के बी की वैल्यू क्या होगी, शॉर्ट होगी। अभी हमने कहा था कि जो वीक एसिड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। तो अगर कम होती है तो डेफिनेटली हम ऐसे मालूम नहीं कर सकते, माइनस लॉग लेंगे। तो माइनस लॉग सभी का ले लेते हैं, पहले हमने लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग के ए प्लस क्या आ जाएगा, लॉग के बी, और ये आ जाएगा लॉग के डब्ल्यू, ठीक है जी। फिर हम माइनस लॉग ले लेते हैं, तो माइनस लॉग के ए माइनस लॉग के बी और माइनस लॉग क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू, ठीक है जी। अब ये जो है ये माइनस लॉग के ए जो है पी के ए के इक्वल आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, पी के बी के, और ये क्या आ जाएगा, पी के डब्ल्यू। तो पी के डब्ल्यू जो है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, पी के ए प्लस पी के बी, ठीक है जी। अब यहाँ से हम जो है वो वैल्यू इसकी तो कांस्टेंट होगी, पी के डब्ल्यू की वो 10⁻¹⁴ है, तो ये प्लस 14 आ जाएगा, ठीक है जी। किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 14 के। अब यहाँ पर ये वाली इक्वेशन, तो ये वाली जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट रहेगी, अब ये वाली वैल्यूज जो है वो चेंज हो सकती है,
तो अब यहां से हम एक जो जनरल इन्फ्रेंस है वो निकालते हैं, जनरल कोई नतीजा निकालते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एसिड स्ट्रांग है तो उसका जो आगे कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक होगा, और अगर कोई एसिड वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। दूसरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई बेस स्ट्रांग है उसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो क्या होगा, वीक होगा, और अगर कोई वीक बेस है तो आगे हमारे पास जो एसिड बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रांग जो एसिड है वो बनना है। क्लियर हो जाएगी बात? तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो नतीजे हैं इन्फ्रेंसेस है उनको हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पढ़ा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस पढ़ा है, और साथ में हमने लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस का नजरिया पढ़ा, और लास्ट में हमने क्या किया, इक्वेशन को फाइंड आउट किया कि जो पी के ए प्लस पी के बी जो है वो इक्वल होता है किसी के, पी के डब्ल्यू के। तो ये था हमारे पास आयनाइजेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस और लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है बफर कैपेसिटी के बारे में देखेंगे, बफर सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, और व्हाई वी नीड बफर और बफर किस तरह काम करता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।